डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, और उसी में अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिक रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच और डिसकनेक्शन अप्रोच। तो अब हम इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे वही हम आज इसमें देखेंगे। देखिए, सिंथेसिस का तो मतलब आप लोगों को पता होगा, सिंथेसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना। मतलब हम, क्योंकि हम ऑर्गेनिक या हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं इसमें। तो अगर हम ये कर रहे हैं कि ए प्लस बी से मिलाकर हम कोई सी बना रहे हैं या सी प्लस डी बना रहे हैं, ऐसे कुछ, तो ये तो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, या हम इनको स्टार्टिंग मटीरियल भी बोल सकते हैं जिनसे हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, और ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी की सिंथेसिस कर रहे हैं ए प्लस बी से। ठीक, अच्छा, यहां पर वर्ड आया है रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच, यानी या रिट्रोसिंथेसिस। रिट्रो वर्ड का मतलब होता है बैक, यानी कि हम क्या करें, अगर हम सी प्लस डी से ए प्लस बी बनाए, यानी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। देखिए, जब रिएक्शन हम ये बना रहे हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हम ए प्लस बी से सी प्लस डी बना रहे हैं। लेकिन जब हम सी प्लस डी से ए प्लस बी बनाने लग जाएं, तो वो हमारी हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच में हमें एक्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को पढ़ना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, और उसी को हम डिसकनेक्शन अप्रोच बोल देते हैं। तो एक्चुअल में मीनिंग बस इतना समझ लीजिए, रिट्रो का बताने के लिए मैंने ये सब समझाया आपको कि रिट्रो मीन्स होता है बैक, बैकवर्ड जैसे कह सकते हैं, या बैक में चले जाना, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपल सिंथेसिस हो रही है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको रिट्रोसिंथेसिस बोलेंगे। और ये क्या होती है, ये अप्रोच क्या है, तो ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, अ लॉजिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस को सिर्फ डिजाइन करेंगे ऑन पेपर, इसको सच में हम लैब में नहीं कराने जा रहे हैं फिलहाल, पहले हम इसके डिजाइनिंग करते हैं। तो उस डिजाइनिंग के लिए ही अभी हम इसमें डिसकनेक्शन अप्रोच हम इसको बोल रहे हैं। तो लॉजिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड into available starting material by imaginary breaking of bonds. Imaginary breaking of bonds यानी हमें bonds को तोड़ना है, लेकिन सिर्फ imagination करनी है, सच में नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ imagination कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ paper पर अभी इसको design कर रहे हैं। इसी को हम disconnection बोल देते हैं, और is known as disconnection। अब देखिए इस पूरी line का मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हम a plus b से suppose c plus d बना रहे हैं, या आप समझ लीजिए यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड है और ये भी एक बॉन्ड है, तो a और b एक हमारा स्टार्टिंग मटीरियल हो गया और c जो है हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब जो ये प्रोडक्ट बना है, इसी को हम बोल दे रहे हैं टारगेट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल को हमें बनाना है उसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हम शॉर्ट में TM लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिसकनेक्शन अप्रोच में हम इसके लिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसी अप्रोच लगानी है, मतलब हमें इसको ऐसे डिजाइन करना है ऑन पेपर कि ये CD से, यानी जो CD के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें। ब्रेक सिर्फ अपने दिमाग में करेंगे, ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ब्रेक, ताकि हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगा सकें कि किन स्टार्टिंग मटेरियल से मिलकर ये वाला हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना है। तो इसकी जो ब्रेकिंग कर रहे हैं हम, इस बॉन्ड की जो तोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग माने तोड़ देना, यानी जो इस टारगेट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उसको जो हम तोड़ के इसके स्टार्टिंग मटेरियल को बना रहे हैं, बस उसी को हम डिसकनेक्शन अप्रोच बोल देते हैं। डिसकनेक्शन से मतलब जो कनेक्टिविटी थी उसको हम तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसलिए हम इसके लिए वर्ड डिसकनेक्शन और रिट्रो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली हम लैब में जब बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम ये बनाएंगे, लेकिन जब हम पेपर पर डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस टारगेट मॉलिक्यूल को बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में इमेजिन कर रहे हैं कि हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल आएंगे बस उनको देखना है। ठीक है, तो ये हमारी रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच, या हम इसको डिसकनेक्शन अप्रोच बोल देते हैं। तो हमें बनाना तो यही है एक्चुअल में, लैब में जब हम बनाएंगे, लेकिन पेपर पर डिजाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगा सकें कि कौन से स्टार्टिंग मटेरियल इसमें यूज हुए हैं।
अच्छा, अब क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस डिजाइन. ये डिजाइनिंग सिंथेसिस, किसी भी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के डिजाइन का प्रोसेस है, विच स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट, जिसको कि हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रिट्रोसिंथेसिस करेंगे या डिस्कनेक्शन करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे एंड वर्क बैकवर्ड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग मटीरियल. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, पीछे की साइड काम करते हैं. नॉर्मली लैब में जब हम काम करेंगे तो हम आगे की साइड करेंगे, लेकिन जब पेपर पे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम पीछे की साइड इसमें चलेंगे. ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगाने के लिए. अब फिर क्या होगा, अ डबल लाइन एरो कॉल्ड अ रिट्रोसिंथेटिक एरो इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट अ रिएक्शन रिटर्न बैकवर्ड. द एक्चुअल रिएक्शन इज इन रिवर्स. जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन दिखाई गई है, एक्चुअल रिएक्शन क्या थी, x प्लस वाई से जेड का बनना. यानी एक्चुअल रिएक्शन हमारी ऐसी है, x प्लस वाई से जेड का बनना. तो हम एक सिंगल लाइन से एरो को दिखा देते हैं. लेकिन अगर हमें रिट्रोसिंथेसिस दिखानी, तो रिट्रोसिंथेसिस दिखाने के लिए हम इसी रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, एक डबल लाइन वाला एरो बनाएंगे और x प्लस वाई. तो ये डबल लाइन एरो बताता है कि हम रिट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं जेड की, यानी हम रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. ठीक है, तो बस यही इसमें बताया कि डबल लाइन एरो से हमें रिट्रोसिंथेटिक एरो बोलते हैं इसको, और इसी से हम इस रिएक्शन को शो कर देते हैं. The following scheme with a retrosynthetic arrow means Z could be prepared from X and Y. तो इस जैसे हमने ये दिखाया, इसका मतलब है हमें Z को prepare करना है X और Y से. हम उल्टी direction में यहाँ पर चल रहे हैं और इसीलिए हम इसके लिए word retrosynthetic approach use कर रहे हैं. और disconnection हम इसलिए use कर रहे हैं क्योंकि Z में जितने भी bonds होंगे उनको हम disconnect करके देखेंगे ताकि हम starting material पर पहुँच सकें. तो ये थी disconnection approach या basic retrosynthetic approach. हालांकि ये बहुत detailed topic है जो कि एमएससी लेवल का है, लेकिन आपके यहां क्योंकि सिंपल छोटा सा ही है तो सिर्फ समझाना ही है आपको कि रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच एक्चुअल में होती क्या है. तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. अच्छा, अब क्या है, डिसकनेक्शन अप्रोच एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं. हम सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें इस जेड को बनाना है तो इस जेड में भाई कंपाउंड काफी बड़ा होगा, तो इसमें बहुत सारी जगह पर हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं. तो हमारे पास काफी सारे स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं, तो हम ये देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट, कौन से बेस्ट पॉसिबल रूट से, जो रूट माने जिस रास्ते, जो भी हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज करें, एक तो वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए और वो सस्ता होना चाहिए. ठीक है, टाइम कम लगे उसमें. तो ऐसे बहुत सारे रूट वहाँ पॉसिबल होंगे. कुछ स्टार्टिंग मटेरियल महंगे भी बनेंगे कुछ रूट से हमारे स्टार्टिंग मटेरियल सस्ते वाले बन जाएंगे, कुछ हमारे पास अवेलेबल होंगे कुछ नहीं होंगे. तो बस हम डिसकनेक्शन अप्रोच से वो एक रूट ढूंढ लेते हैं कि हमें कौन से स्टार्टिंग मटेरियल सही लगे पड़ेंगे ताकि हम उसे लैब में सिंथेसाइज कर सकें जेड को बनाने में. ठीक है, अच्छा, जैसे अब इसी में हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, सिंथॉन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स. अब ये सिंथॉन्स क्या है, देखिए सिंथॉन्स का क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहां पर हमारी एक रिएक्शन है ये. ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है. ये टारगेट मॉलिक्यूल का नाम एक्चुअली 2,4-D है. इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, और शॉर्ट में हम इसको 2,4-D बोल देते हैं. तो सपोज ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है हमें सिंथेसाइज करना है, हमें इसे लैब में बनाना है. अब लैब में बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होने चाहिए. तो वो स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगाने के लिए हम इसको पेपर पर डिजाइन करेंगे, हम अपने दिमाग में कुछ बॉन्ड्स को तोड़ के देखेंगे. तोड़ने के बाद जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आएंगे, हम ये देखेंगे क्या वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो हमारे पास सस्ते पड़ रहे हैं, क्या उनसे बनाने से हमें टाइम कम लग रहा है लैब में, तो हम वही रूट इसमें अपना लेंगे. ठीक, तो अब यहाँ पर जो हम सिंथॉन्स वर्ड यूज कर रहे हैं, तो डिसकनेक्शन अप्रोच से क्या होगा, हमने सपोज यहाँ पर जो डिसकनेक्शन है वो इस बॉन्ड में, यानी यहाँ पर जो है ये जो मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पर एक्चुअल में CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये तो आप लोगों को पता होगा, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में कई बार समझाया भी है कि अगर इस तरह से कोई कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का नाम इसको हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर CH3 है क्योंकि हम खाली बॉन्ड से शो कर रहे हैं. तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन से क्योंकि हमें सिर्फ एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बाकी के जो तीन हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी इसमें छुपे हुए हैं. ठीक है, फिर यहाँ हम ले गए तो यहाँ पर जो है CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर ये भी CH2 है, फिर ये भी CH2 है, और फिर ये CH3 है. ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है. ठीक, तो हमने ये
यहाँ से तोड़ दिया, मतलब अपने दिमाग में ये इमेजिन किया कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। अब टूटने के बाद क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यानी ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी जो CH2 है उस पर हम पॉजिटिव चार्ज, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस पे सिर्फ हमने, या तो आप यहाँ पर CH2 लिखकर उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, या फिर आप खाली पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इस ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये तो क्या हुआ, जैसे ही हमने ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड दो पार्ट्स में या दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और कैसे डिवाइड करा हमने, बॉन्ड की पोलैरिटी को देखकर, पोलैरिटी मतलब कहाँ पर चार्ज का डेवलपमेंट हो सकता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है। अगर आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक, तो आपको बहुत इजीली यहां पर समझ में आएगा, दोनों एटम्स की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो वहां पर हेट्रोलिटिक फिशन होता है, वहां पर बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर जो हमें ये दो पार्ट्स मिल गए हैं, या हम कहेंगे दो फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं सिंथॉन्स, जो डिसकनेक्शन के बाद हमें मिलते हैं। तो सिंथॉन्स आर आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स, यूजुअली कैटायंस और एनायंस, ये कैटायंस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कैटायंस है, नेगेटिव चार्ज तो एनायंस है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसकनेक्शन, जो हमें डिसकनेक्शन से मिलते हैं। एक्चुअली सिंथॉन्स जो होते हैं स्टैंड फॉर रिएजेंट्स, रिएजेंट्स माने कोई भी केमिकल कंपाउंड जब हम स्टार्टिंग मटेरियल में डालेंगे तो रिएक्शन में कोई ना कोई चेंज आए, तो बस वही रिएजेंट, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, उनको हम रिएजेंट्स बोल देते हैं। तो एक्चुअल में सिंथॉन्स रिएजेंट्स होते हैं जो कि हम फॉरवर्ड सिंथेसिस में यूज करने जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड सिंथेसिस वही जब हम A+B से, यानी ए बॉन्ड बी से सी बॉन्ड डी बनाएंगे, तो कोई ना कोई रिएजेंट हम इसमें जरूर डालेंगे, ठीक है। जब हम रिएजेंट डालेंगे और उस रिएजेंट डालने से जो भी इस केमिकल जो भी रिएक्शन चल रही है उसमें कोई चेंज आएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, तो उसी को हम रिएजेंट बोल देते हैं। तो एक्चुअल में सिंथॉन्स जो होते हैं वो रिएजेंट्स होते हैं जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करने जा रहे हैं, और हमने पता कैसे लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन के थ्रू उनका पता लगा लिया, हमें सिर्फ फ्रेगमेंट्स का पता लगाया, तो जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इनको तो हम बोल देते हैं सिंथॉन्स, लेकिन फिर हम अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करते हैं कि आखिर ये किन कंपाउंड से बने होंगे, यहाँ पर क्या एक ऐसा, क्योंकि ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं कोई एक एटम ऐसा जरूर जुड़ेगा जिससे इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, और यहाँ पर भी कोई एटम ऐसा जरूर जुड़ेगा जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो जब वो एटम जुड़ जाएगा तो उससे हमारे रिएजेंट्स बन जाएंगे, और उन रिएजेंट्स को हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं। तो सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में डिफरेंस होता है, सिंथॉन्स जो कि फ्रेगमेंट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन पर है, जो कि कैटायंस या एनायंस है, और ये सिंथॉन्स एक्चुअल में रिएजेंट से ही निकले हुए हैं, बस उनका कोई पार्ट है मतलब वहां से। तो सिंथॉन्स स्टैंड फॉर रिएजेंट्स वी आर गोइंग टू यूज इन द फॉरवर्ड सिंथेसिस, जो कि हम फॉरवर्ड सिंथेसिस में यूज करने जा रहे हैं। दे आर नॉट देमसेल्व्स रिएजेंट्स, अपने आप में वो रिएजेंट्स नहीं है, वो रिएजेंट का एक पार्ट है, वो तो फिर हमें बाद में पता लगाना होता है कि वो किस रिएजेंट से बने हैं। हाउएवर दे मे ओकेजनली बी इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन पाथवे, एक्चुअल में ये एक इंटरमीडिएट, सिंथॉन्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, कैटायंस हो सकते हैं एनायंस हो सकते हैं, वो सब इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में कहीं पर बन के आते हैं। तो बाय डिसकनेक्टिंग बॉन्ड्स टू सिंथॉन्स रादर देन टू एक्चुअल रिएजेंट्स, एक्चुअल रिएजेंट्स माने जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं, जिन सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स से ये सिंथॉन्स बने हैं, तो हम बॉन्ड को डिसकनेक्ट करके जो सिंथॉन्स बनाते हैं कैसे बना सकते हैं, वी कैन इंडिकेट, और हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऐसा करके हम ये इंडिकेट कर रहे हैं, वी कैन इंडिकेट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, कि हम इस बॉन्ड की पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, पोलैरिटी से मतलब कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ द रिएजेंट्स, तो अगर हमें मतलब एकदम से रिएजेंट्स का नहीं पता कि कौन से रिएजेंट यहाँ पर यूज हो रखे तो हमें सिंपल सा इतना करना होता है कि जो भी टारगेट मॉलिक्यूल है बस वहाँ पर एक, और डिसकनेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, ये एक विगी लाइन से हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये विगली लाइन बोलते हैं इसको, यहाँ पर जो इस तरह से शो कर रखी है, तो ये हमने डिसकनेक्शन शो कर दिया कि यहाँ से बॉन्ड जो है वो डिसकनेक्ट होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने वो फ्रेगमेंट्स का पता लगा लिया और उन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम सिंथॉन्स बोल दे रहे हैं। तो हमने इस बॉन्ड की पोलैरिटी के बेस पर इस सिंथॉन्स का पता लगा लिया है। तो वी कैन, और इसी आइडिया को जब हम इस हर्बिसाइड पर अप्लाई करें, ये एक हर्बिसाइड है, इस मतलब जो हमें टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, तो बस और इस बॉन्ड के ऊपर हम ये मेंशन करेंगे कि हमने कौन से बॉन्ड को डिसकनेक्ट किया है। तो हमने सी बॉन्ड ओ ईथर ईथर बॉन्ड को यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया है। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट भी हम ऐसा अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक केमिस्ट्री की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हम ये कहाँ पर डिस्कनेक्शन करते हैं। हालांकि डिस्कनेक्शन करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि यहाँ यहाँ पर डिस्कनेक्शन पॉसिबल है। हालांकि वो गाइडलाइंस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो सब आप एमएससी में जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सीओ बॉन्ड, ये जो ईथर बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड, ईथर क्या होते हैं एक्चुअल में, ईथर हमारा ईथर बॉन्ड हो गया ये। तो ये जो बॉन्ड हुआ हमारा, या सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, ये हमारा ईथर बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक ईथर बॉन्ड है, ये भी सी, ये ओ, ये सी, तो ये ईथर बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने इस डिस्कनेक्शन को शो किया है। तो अब हमने यहीं पर क्यों शो किया, हम यहाँ पर भी इसको शो कर सकते थे, मतलब डिसकनेक्शन यहाँ भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन क्योंकि फिर बाद में जो हम इससे जो हमारे फ्रेगमेंट्स बनते उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, तो रिएक्शन जो पॉसिबल होगी वो इनके इनके बीच में। तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि हमें डिसकनेक्शन कहाँ से शो करना है, ठीक है। तो वही हम डिसकनेक्शन यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। एक्चुअली ये पेज मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, इसको मुझे बाद में डिस्कस करना था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया कि सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। अभी हम फिलहाल से पहले ये वाले पेज पे आते हैं। देखिए, हमने डिसकनेक्शन सिंपल यूज किया था, अब हम वही मैंने आपको बताया, डिसकनेक्शन में हम इमेजिनरी ब्रेकिंग करते हैं मॉलिक्यूल की, यानी अपने आप से सोचते हैं कि मॉलिक्यूल कहाँ से टूटेगा। जैसे हमारे पास ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टारगेट मॉलिक्यूल में हमने ये रिट्रोसिंथेटिक एरो लगा दिया इसमें कि हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल से हमें चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, किन से मिलकर ये बना है, और इसके ऊपर लिख देना चाहिए कि कौन से बॉन्ड को हम तोड़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ सी एन एमाइड बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये बॉन्ड होता है एमाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये इस तरीके से, ठीक है, जब हमने पेप्टाइड्स पढ़े थे, एमिनो एसिड्स पढ़े थे, जब यही सी ओ एन एच बॉन्ड एमिनो एसिड्स में होता है तब हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं, लेकिन अगर हम एमिनो एसिड नहीं यूज कर रहे हैं तब हम इसको एमाइड बॉन्ड बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एमाइड बॉन्ड, यहाँ पर हमने डिसकनेक्शन को शो किया। तो डिसकनेक्शन को हम एक विगली लाइन से शो करते हैं, ये जो लाइन मैंने ऐसे बना दी इसको हम विगली लाइन बोल रहे हैं, जिसको कि हमें बताना है कि ये डिसकनेक्शन हम यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी डिस्कस कर रही थी कि हम डिसकनेक्शन कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए केमिस्ट्री की कि भाई जो भी फ्रेगमेंट्स हमारे बन के आ रहे हैं उन फ्रेगमेंट्स के बीच में रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने जब ये डिसकनेक्शन किया, तो अब डिसकनेक्शन करने से हमें क्या मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये कार्बन था और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो जो फ्रेगमेंट्स यानी जो सिंथॉन्स बनेंगे वो सिंथॉन्स कैसे बनेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब सिंथॉन्स बन के आएंगे तो इस एनएच के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस कार्बन पर जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स बन के आएंगे, अब उन दो फ्रेगमेंट्स के फिर हमें इक्विवेलेंट सोचने, सिंथेटिक इक्विवेलेंट सोचने, और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और यही एक्चुअल में हमारे स्टार्टिंग मटेरियल भी है। तो ये बॉन्ड हमने यहां से क्यों तोड़ा, इसका रीजन ये है कि यहां पर जो एमाइड बॉन्ड बना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एमाइड जो है वो कैसे बनते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज है, अगर हमने बेसिक्स पढ़े हैं केमिस्ट्री के तो हम इंटर में भी हम पढ़ते चले आए कि एमाइड कैसे बनते हैं, एसाइल क्लोराइड और एमीन की रिएक्शन से जो है एमाइड्स बनते हैं। अब ये एसाइल क्लोराइड क्या है, देखिए एसाइल क्लोराइड को हम दिखा सकते हैं, ये R C डबल बॉन्ड O C L, तो ये जो एसाइल क्लोराइड है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये सी ओ सी एल जो होता है ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए तो उसको हम एसाइल क्लोराइड बोल देंगे। अब एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम एमीन से करा दें, एमीन एमीन क्या, एमीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एनएच टू ग्रुप प्रेजेंट है, ये आर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो रिएक्शन होगी कैसे, यहाँ से एक एच और ये एक सी एल निकलेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा वो मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि वो फिर बहुत डिटेल है, कभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म मैं स्टार्ट करूंगी तब हम समझेंगे कि मैकेनिज्म जाके हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है। तो यहाँ से एक एच और ये एक सी एल,
निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा तो हमारे पास कंपाउंड जो बन के आएगा सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर NH और ये R, तो ये जो हमारा है ये एक एमाइड बन जाएगा। तो एसाइल क्लोराइड और एमीन की रिएक्शन से, क्योंकि एमाइड बनते हैं तो एक्चुअल में रिएक्शन जो बना, तो यहाँ से ये Cl और ये H निकला, तभी तो इन CO और इस CO और इस NH के बीच में बॉन्ड बना। तो जब CO और NH के बीच में बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे तो हमारे पास इनके जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिसकनेक्शन के लिए बहुत सी, मैं आपको बता रही थी कि बहुत सी गाइडलाइंस दी हुई हैं कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देती, यहाँ से भी तोड़ सकते थे, यहाँ पर भी क्या हो जाता, यहाँ पर टूटता, यहाँ पर एक होमोलिटिक फिशन हो जाता, यहाँ पर कह सकते हैं हम ये सी डबल बॉन्ड ओ है और ये कार्बन, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, इस कार्बन पर तो आ जाता नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आता पॉजिटिव, यानी बेंजीन रिंग पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है कि भाई यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो और यहाँ पर ये इस पर अटैक करो। बेंजीन रिंग पर वैसे भी पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इनएक्टिवेट रहती है, जनरली बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, तो बेंजीन रिंग पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए हम ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम डिसकनेक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। तो इट इज हेल्पफुल टू इंडिकेट द साइट ऑफ द डिसकनेक्शन विद अ विगली लाइन, वो मैंने आपको बताया ही कि पहले हम इंडिकेट करेंगे एक विगली लाइन से कि डिसकनेक्शन हम कहां पर करने जा रहे हैं। द सी एन एमाइड ऑन द रेट्रोसिंथेटिक एरो शोज दैट द सी एन बॉन्ड ऑफ द एमाइड इज डिसकनेक्टेड। तो यहां पर हमने रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर सी एन एमाइड लिखा है, इसका मतलब हम इस बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और हम क्यों तोड़ रहे हैं, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन इज फीजिबल, क्योंकि जो इससे स्टार्टिंग मटीरियल बन के आएंगे इन दोनों की रिएक्शन से ये बन सकता है, इन दोनों की रिएक्शन फीजिबल है, फीजिबल से मतलब पॉसिबल है इनके बीच में, क्योंकि ये एक एसाइल क्लोराइड है और ये एक एमीन है। इस पूरे को अगर हम आर लिख दें और इस पूरे को मैं R लिख दूं तो रिएक्शन जो मैंने आपको अभी यहां समझाई थी सेम यही रिएक्शन तो हो रही है यहां पर, यहां से ये Cl और यहां से ये H निकल रहा है और ये HCl निकल रहा है और ये C डबल बॉन्ड O और इस NH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो वही हमने यहां पर दिखा रखा है। तो ये रिएक्शन क्योंकि पॉसिबल है इसलिए हमने डिसकनेक्शन को यहां से दिखाया है। तो इन दिस एग्जाम्पल दिस डिसकनेक्शन वॉज चूजन बिकॉज इट कॉरेस्पॉन्ड टू द रिवर्स ऑफ अ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन, क्योंकि ये किस रिएक्शन का रिवर्स है, इनके साथ इन दोनों की जो रिएक्शन हो रही है उसका रिवर्स है, इन दोनों की रिएक्शन से ये बनेगा, ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है। देखिए अगर मैं ये R, यही जो मैंने रिएक्शन यहां दिखाई है ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, RCOCl और RNH2, इससे हमारा ये कंपाउंड बन के आ रहा है जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है। तो डिसकनेक्शन क्या हुआ, हम कैसे चल रहे थे, हम उल्टा चल रहे हैं, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा और हमने पता लगा लिया कि ये इसके सिंथॉन्स हैं या हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं या स्टार्टिंग मटेरियल है। तो उल्टा चले हम, लेकिन उसी रिएक्शन पर उल्टा चलेंगे जब ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन फीजिबल होगी या वर्केबल होगी, इनके बीच में रिएक्शन होनी भी चाहिए, वही बॉन्ड को हम डिसकनेक्ट यहां पर करेंगे। तो इससे डिसकनेक्शन के हमारे पास जो एक डेफिनेशन निकल के आ जाती है वो क्या आएगी कि डिसकनेक्शन आर द रिवर्स ऑफ द सिंथेटिक स्टेप और रिएक्शंस। सिंथेटिक स्टेप्स वही ये वाले जो हमारे इन दोनों से मिलके जो हम ये बना रहे हैं वो हमारे सिंथेटिक स्टेप्स हैं, यानी हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने जा रहे हैं इन दोनों की हेल्प से। तो डिसकनेक्शन क्या हुआ, हम जो उल्टा चल रहे हैं, सीधा चलते हैं तो वो सिंथेसिस हो रही है, उल्टा चल रहे हैं तो रिट्रोसिंथेसिस हो रही है या डिसकनेक्शन हो रहा है। तो डिसकनेक्शन आर द रिवर्स ऑफ द सिंथेटिक स्टेप्स और रिएक्शंस एंड फॉर एवरी डिसकनेक्शन वी मस्ट हैव अ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन इन माइंड फॉर इफेक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रिकनेक्शन। यानी हमारे पास उल्टा चलने के लिए हमारे दिमाग में एक ऐसी रिएक्शन जरूर होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में भाई रिएक्शन पॉसिबल है, तभी हम डिसकनेक्शन को यहां से शो कर रहे हैं, यानी ये बॉन्ड इस H और Cl निकलने के बाद इसके यहां पर बनना भी चाहिए, तो वो हमारा डिसकनेक्शन। तो सिंपल सी बात है, सिंथेसिस करनी है हमें इसकी, स्टार्टिंग मटीरियल है ये, लेकिन ये स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगाने के लिए हम उल्टा चले, यानी इस कंपाउंड में ब्रेक किया, इमेजिनरी ब्रेकिंग की बॉन्ड्स की, और उस इमेजिनरी ब्रेकिंग को हम डिसकनेक्शन बोल रहे हैं। और जब हमें एक बार स्टार्टिंग मटेरियल पता चल जाएंगे तो बस हम लैब में जाएंगे, ये एसाइल क्लोराइड उठाएंगे, एमीन उठाएंगे और इनके बीच में रिएक्शन शुरू करा देंगे, फिर जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब हम पता लगा लेते हैं और फिर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यहां पर बन के तैयार हो जाता है। तो जो डिजाइनिंग हम पेपर पे कर रहे हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सा पॉसिबल रूट है जिसकी हेल्प से हम ये रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा था पेज। फिर मैं सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विलेंट्स आपको बताई चुकी हूँ, तो हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। जैसे हमने यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल ये बनाना है, तो हमें इसमें डिसकनेक्शन किया CO का, यानी हमने ये दोनों बॉन्ड्स को यहाँ पर तोड़ दिया। अब ये दोनों बॉन्ड्स को यहाँ पर, फिर वही बात है कि ये बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता था, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ से नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमें ऐसी कोई रिएक्शन पता नहीं है जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस रिंग पर अटैक कर सके। लेकिन हाँ, ये जब हम यहाँ से डिसकनेक्शन कर रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ, ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। ये भी हमें अपनी बेसिक नॉलेज से पता चला। तो हम यहाँ पर सिंथॉन्स बना रहे हैं फिलहाल। फिर हम जब एक बार हमारे पास सिंथॉन्स बन जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ भाई, इनसे कौन से सिंथेटिक इक्विलेंट्स बन सकते हैं। अब वही हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये सिंथेटिक इक्विलेंट्स क्या है। तो वंस द रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस इज डन, वी कैन यूज अवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री टू थिंक ऑफ रिएजेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज सिंथॉन्स, कि भाई इस सिंथॉन से कौन से रिएजेंट पॉसिबल हैं जिनके बीच में ये रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव केस वी शुड सर्टेनली चूज द एनायन ऑफ द फिनॉल एंड सम फंक्शनलाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विद अ लीविंग ग्रुप इन द अल्फा पोजीशन एज रिएजेंट्स इक्विवेलेंट टू द सिंथॉन्स। देखिए अब ये बात क्या कह रही है। अभी सिंथॉन से हमें ये पता लगाना है कि भाई कौन से रिएजेंट से जो हमने यूज किया, यानी सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स का पता लगाना है। अब यहां पर O माइनस है। जनरली क्या होता है, जब भी O माइनस होगा उससे एक H जरूर अटैच होता है, तभी वहां पर H जब निकला होगा तो वो O माइनस वहां पर आया होगा। देखिए एक्चुअली जैसे मैं फिनॉल, आप ये फिनॉल का एग्जाम्पल, डाइक्लोरोफिनॉल है एक्चुअल में, मैं सिंपल फिनॉल दिखा दे रही हूँ आपको। ये OH है, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है। हम अगर कोई बेस यूज कर लें इसमें, जैसे NaOH, कोई भी बेस हमने यूज किया, वो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक, इस H को निकालेगा। बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है H प्लस जहां भी दिखाई दे रहा है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन उसे जहां दिखाई दे रही है वो उसको ले लेता है, ठीक है। तो इसने ये H को निकाल लिया, जब ये H निकलेगा यानी O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और कैसे टूटेगा, H तो पॉजिटिव चार्ज की तरह निकलेगा और O पे, यानी ये बॉन्ड, क्योंकि O और H के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जो यहाँ पर कंपाउंड, सॉरी, जो आयन बन के आएगा, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं उसको, ये O माइनस और ये H प्लस, आप ऐसे समझ लीजिए, ये H प्लस जो है हमारा बेस ले लेगा, ठीक है। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन जो निकलने के बाद जब हमारा ये एनायन बने, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, इसमें स्टेबिलिटी हो, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता भी है। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो सब मैं डिटेल में नहीं बताने जा रही हूं आपको, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये फिनॉक्साइड आयन क्योंकि हमारा स्टेबलाइज्ड है, इसमें रेजोनेंस है, तो इसलिए ये H प्लस जो है यहां पर इजीली निकल सकता है, इसीलिए हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो बस यही काम यहां पर हुआ है, एक्चुअल में यहां से एक H जो है वो निकला है, तो यानी यहां पर एक H रहा होगा। तो जब वो H रहा है, उसी से हमें मालूम पड़ गया कि ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये ले लिया, यानी डाइक्लोरोफिनॉल ले लिया, और उसमें एक बेस ऐड कर दिया। तो बेस क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लेगा, और H प्लस जैसे ही निकलेगा हमारे पास ये सिंथॉन जो है वो बन के आ जाएगा। तो हमारा ये एक एनायन हो गया फिनॉल का। और फिर दूसरा क्या था, हम कह रहे हैं दूसरा है सम फंक्शनलाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विद अ लीविंग ग्रुप इन द अल्फा पोजिशन। अब देखिए हमारा जो एसिटिक एसिड है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ये CH3COOH, CH3COH ही तो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और COH से जो पहला कार्बन होता है उसको हम बोल देते हैं कि वो अल्फा कार्बन है, यानी वो अल्फा पोजीशन है, ठीक है। और हमारा जो कंपाउंड अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रखा है, CH2 तो है ही, तो इस CH2 की जगह और एक यहाँ पर एक जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इससे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अगर हम जोड़ दें, जब भी कभी नेगेटिव चार्ज होता है उससे हमें एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जोड़नी पड़ती है सिंथेटिक इक्विवेलेंट का पता लगाने के लिए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो उससे हम कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जोड़ देंगे। तो अगर मैं इस एक H को रिप्लेस कर दूं, इस H की जगह मैं एक Cl लिख दूं, ठीक है, यानी अब ये बन जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ClCH2COOH, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यानी जो इसमें हमने क्या करा, इस और अगर ये Cl यहां से निकल जाए, Cl एक लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप मतलब जो लीव
कर देता है, मतलब लीविंग ग्रुप को भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर Cl निकलेगा, अब C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, Cl पर है नेगेटिव चार्ज, मतलब Cl क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है वो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके निकलेगा। तो इससे जो हमारे पास आयंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज COOH, ये पॉजिटिव, और प्लस Cl माइनस, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास जो स्पीशीज थी वो यही तो थी, यहाँ पर क्या है CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा COOH जुड़ा हुआ है, तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमारा सिंथोन्स है, तो इससे हमें कोई ना कोई लीविंग ग्रुप हमें जरूर जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो Cl जोड़ दें, चाहे हम Br जोड़ दें, चाहे हम OTS जोड़ दें। ये टॉसाइल ग्रुप होता है, ये भी बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर अगर हम ये जोड़ देंगे तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे कि किन किन रिएजेंट्स के बीच में रिएक्शन हुई है ताकि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन गया है। तो यहां से हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट का पता लगा लिया। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स एक्चुअल में क्या हुए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर द रियल केमिकल कंपाउंड्स या रिएजेंट्स हम इसको बोल सकते हैं, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ अ सिंथोन, जो कि एक्चुअल में रिएजेंट थे लेकिन वो यहां पर सिंथोन का फंक्शन कर रहे थे। सिंथोन का फंक्शन क्यों कर रहे थे, क्योंकि अब अगर हम यहां से ये ग्रुप निकाल दें इसका और यहां से ये एच निकाल दें तो ये वापस से हमारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो ये सिंथोन, सिंथोन्स का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट्स हैं जहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, और इनमें अगर हम कोई ऐसा एटम जोड़ दें जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पर हमें कोई ऐसा एटम जोड़ दें या ग्रुप जोड़ दें जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं, यानी हमारे स्टार्टिंग मटीरियल मिल जाएंगे, तब हम रिएक्शन ईजिली करा सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग मटीरियल आ गए हैं तो अब हम रिएक्शन को शुरू से लास्ट तक लिख सकते हैं, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे बना होगा, हमने ये डाइक्लोरोफिनॉल ले लिया, फिर हमने सबसे पहले इसकी बेस से रिएक्शन कराई, बेस ने क्या करा, इस H+ को निकाल लिया, जैसे ये H+ निकला इस पर आया O नेगेटिव, इस O नेगेटिव ने यहां इस वाले कार्बन पर अटैक किया और ये Cl यहां पर निकल गया। तो ये Cl यहां पहले भी निकल सकता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या ये O नेगेटिव जब इस पर अटैक करे तब ये Cl, तो वो तो हमें मैकेनिज्म में जाकर ही मालूम पड़ेगा। तो अब रिएक्शन क्या हुई है, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो यहां से अगर हम Cl निकाल देंगे तो हमारे पास वापस से ये बन जाएगा और एक ये रिएक्शन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो वही हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना दिया, O पे नेगेटिव चार्ज था और COH से जो जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन था उस पर पॉजिटिव था, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन गया और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो बनके तैयार हो गया। तो हमने क्या करा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था, हमारा ये था स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में हमें अगर जाना है तो हमें ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में बनाना है। तो हमने पेपर पर सिर्फ डिजाइन किया, इसमें सबसे पहले डिसकनेक्शन सोचा, डिसकनेक्शन कहां कहां पर पॉसिबल है, बहुत सारे चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर भी डिसकनेक्शन पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि इनसे जो सिंथोन्स बनते उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए हमने वो डिसकनेक्शन को वहां से नहीं निकाला, हमने डिसकनेक्शन यहां पर अपने दिमाग में सोचा, उससे हमने सिंथोन्स बनाए, सिंथोन से फिर हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स यानी जिनके बीच में रिएक्शन होनी है उनके बारे में सोचा। तो इसके लिए हमें केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, तो जब एक बार हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स यानी कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल मालूम पड़ गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लैब में जा सकते हैं अपने इन स्टार्टिंग मटेरियल के साथ और ये रिएक्शन को करा सकते हैं ताकि हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाए। तो डिसकनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ पेपर पर हमें डिजाइन करना है और हमें अलग अलग मेथड्स देखने, बहुत सारे रूट पॉसिबल होते हैं किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ने के, तो हम बस वो जगह से तोड़ेंगे जिससे कि जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल बने, एक तो वो हमारे पास अवेलेबल हो, उनके बीच में रिएक्शन फिजिबल हो यानी पॉसिबल हो, वो हमें इजीली अवेलेबल भी हो, वो बहुत सस्ते भी पड़ते हो और उनसे हमें कम टाइम में ही प्रोडक्ट मिल जाए। तो जब हमें एक बार ये मालूम पड़ जाता है कि कौन से मटेरियल हमें यूज करने हैं, फिर हम लैब में जाकर उस टारगेट मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। तो ये पूरा था डिसकनेक्शन अप्रोच के बारे में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हालांकि आपकी क्लास अभी बहुत छोटी है रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच समझने के लिए, ये MSc लेवल का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मतलब आपको समझने चाहिए, जो टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हो सकता है MCQs में पूछ लिया जाए कि भाई टारगेट मॉलिक्यूल, और चार ऑप्शन आपके सामने दिए हों, सिंथोन्स का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच का अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो सारा समझाना तो पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप में वैसे काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कुछ और टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।